सफलतापूर्वक संपन्न हुआ कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन। हमारे सहयोगी मोहन दशप प्रेमी ने जानकारी देते हुए बताया कि राजकीय चिकित्सालय सिरोही में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कालाल की देखरेख में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनीता थरेजा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक जोशी समेत अस्पताल के चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और ड्राई रन की टीम के सदस्य मौजूद थे। अगले कई चरणों में सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार सिरोही के 44 सेंटर्स पर हर दिन 100 लोगों का वैक्सीनेशन होगा। देखिए सिरोही से हमारे सहयोगी मोहन देश प्रेमी की यह रिपोर्ट। ये प्रतीक्षा कक्ष है, हालांकि आज इसका उपयोग नहीं हुआ, बाहर ही प्रतीक्षा कक्ष बना दिया था। और यहाँ ये टीकाकरण कक्ष है, यहाँ पर टीकाकरण का आज मॉक ड्रिल चल रहा है अभी तक, क्योंकि आज 25 लोगों का ही टीकाकरण का मॉक ड्रिल था। ये हमारे वो कर्मचारी हैं जो टीकाकरण करेंगे, और इसका एक ये मॉक ड्रिल है, अभी कोई टीका नहीं लगा रहे, लेकिन हम देख सकते हैं ये सारे ये बिल्कुल दर्द हुआ थोड़ा, मेटर साहब थोड़ा दर्द होता है, लेकिन दर्द दर्द को मिटाएगा। क्या अच्छा क्या कहेंगे सर आज, ये क्या किया आपने? ये कोरोना की वैक्सीन है जी, जो कोरोना बीमारी की सीवियरिटी से मरीज को बचाएगा। ठीक है, ये वैक्सीन लगाने के बाद में पास में ऑब्जर्वेशन रूम बना हुआ है, ओके, उसमें आधे घंटे तक मरीज को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे जी, यदि कोई तकलीफ नहीं होती है तो मरीज को घर भेज देंगे, और 28 दिन बाद में वापस इसका दूसरा डोज लगेगा। जी, तो कोरोना बीमारी से मरीज बचाने के लिए वैक्सीन लगाते हैं, मतलब एक के बाद 28 दिन बाद फिर वापस लगेगा, दो ही डोज है, दो ही डोज लगेगा, दूसरा डोज 28 दिन बाद लगेगा। धन्यवाद। आखिरी जो निगरानी कक्ष है वहाँ पहुँचे हैं, टीकाकरण के बाद में इनको निगरानी कक्ष में ले जाएंगे, और यहाँ ऑब्जर्वेशन जो रूम है, और यहाँ भी कुछ करेंगे जय जी? यहाँ पे इनका एक बार नॉर्मली इंट्यूबेशन ट्रे है, मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन रूम है इसमें वो सारी यहाँ आधा घंटा रखेंगे, बिल्कुल कोई भी समस्या होगी तो तुरंत क्रॉस इमरजेंसी मैनेजमेंट हो जाएगा। ये हम जो देख रहे हैं ये ऑब्जर्वेशन हो रहा है, और इसके बाद में जब सेटिस्फेक्शन हो जाएगा पूरा नर्सिंग स्टाफ को या यहाँ के व्यवस्थापकों को, तो उसके बाद में फिर मरीज को या उसको जिसको वैक्सीनेट किया है उसको घर भेज देंगे। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ऑक्सीजन जो बताया है 99 और 102 इनका पल्स रेट बताई है, तो कुल मिला के आप ठीक हैं सर, वैक्सीन ने सन जो किया है और उसका आपके ऊपर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ा, और इसी 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 के लिए ये पूरी व्यवस्था, एक साल का इंतज़ार खत्म हुआ, और हम इस बात के लिए बहुत हर्षित भी हैं, आनंद भी। V24 न्यूज चैनल की सभी खबरों को पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करके सभी खबरों की अपडेट आपके मोबाइल पर प्राप्त करते रहें।